वेलकम बैक दोस्तों। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे एक बैंक एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं जहां पे आप अपना बैंक अकाउंट क्लोज करवा रहे हैं। तो बेसिकली ये लेटर दोनों अकाउंट के लिए सही है, अगर आपका अकाउंट सेविंग है या करेंट है। ठीक है, तो अकाउंट क्लोज करने के लिए हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टिप्स भी देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना ज़रूरी होता है, आधार कार्ड हो या कुछ भी हो। ठीक है, और बैंक का डिटेल्स आपको मतलब देना पड़ता है, ठीक है, हर एक चीज़। फिर उसके बाद जो लेटर लिखा जाता है वो एक्चुअली बैंक मैनेजर को लिखा जाता है, ठीक है, कोई स्टाफ को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको हर एक चीज़ वापस करना पड़ता है, पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी था बैंक का बिलोंगिंग्स, कुछ और भी अगर होगा तो आपको उसको रिटर्न करना होगा क्लोजिंग के टाइम पे। और कभी कभी वो फोटो भी मांगते हैं आपको, फोटोग्राफ रिसेंट का। ठीक है, और आपको अपना चेक करना होगा कहीं आपके अकाउंट में कुछ ज़्यादा बैलेंस तो नहीं है ना, जो आपको, क्योंकि आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए उसे बैलेंस क्लोज करने से पहले अकाउंट। और फाइनली क्या होता है कि कभी कभी या मोस्टली बैंक में चार्ज करते हैं, अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करवा रहे हैं तो एक नॉमिनल फ़ी होता है, वो चार्ज किया जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स या टिप्स थे जो आपको ध्यान में रखना होगा या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लेटर स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट देख रहे हैं हम लोग, तो टू, जैसे मैंने बोला था कि बैंक मैनेजर को लिखा जाता है, तो टू द बैंक मैनेजर। फिर इसके बाद आपका ब्रांच बैंक आता है, कौन सा बैंक है, तो सपोज कर लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। फिर यहाँ पर आप अपना एड्रेस, वो एड्रेस लिख दीजिए बैंक का। ठीक है, फिर ये किस दिन आप अपना अकाउंट बंद करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो डेट लिखिएगा। और सब्जेक्ट रहेगा क्लोजर ऑफ सेविंग, अगर आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है तो आप लिखिए क्लोजर ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आपका करंट है तो क्लोजर ऑफ करंट बैंक अकाउंट लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग का सब्जेक्ट पार्ट कवर हो गया। तो अब स्टार्ट करेंगे कैसे लिखना है, सर मैडम जो भी ब्रांच मैनेजर होंगे वो। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली क्लोज माई सेविंग या करेंट अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है, विद द नंबर, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर था, ठीक है, उसको आप लिखिएगा लेटर में। फिर लिखिएगा एज आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू ऑपरेट द सेम बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस, मतलब आप बोल दीजिए कि क्यों आप अपना बैंक अकाउंट बंद करवाना चाह रहे हैं। ये भी रीज़न कभी कभी पूछते हैं ऑब्वियसली वहाँ पे कि आप क्यों बैंक अकाउंट बंद करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न लिख दीजिएगा क्यों बंद करवा रहे हैं। ठीक है, और फिर आप लिखिएगा कि आई एम ऑल्सो रिटर्निंग माई पासबुक, चेकबुक एंड डेबिट कार्ड अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन। आप ये बोलिए कि इस एप्लीकेशन के साथ हम अपना चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड भी सबमिट कर रहे हैं जो मेरे को मिला था बैंक से। ठीक है, और जो भी अगर कुछ और पर्सनल नहीं, बैंक का बिलोंगिंग्स है जो आपको दिया गया था, तो उसको आपको रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो ये पार्ट इतना कवर हुआ। और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू आर आस्क्ड टू प्लीज रिटर्न माई बैलेंस अमाउंट थ्रू अ डिमांड ड्राफ्ट। मतलब सपोज कर लीजिए आपके अकाउंट में 5,000 था, ठीक है, तो आप उसको विड्रॉ नहीं किए, आप बोले कि मेरे को, मेरा जो बैलेंस अमाउंट है वो आप मेरे को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दीजिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जन अपना बैलेंस लेना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर लिखिएगा। फिर लास्ट में आप थैंकिंग यू लिखिए, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करिएगा और लास्ट पे अपना फुल नेम लिखिएगा। ठीक है, और इसके साथ भी वो लोग आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी मांग सकते हैं, तो आप वो सब भी प्रोवाइड करिएगा जेरोक्स। ठीक है, ओरिजिनल भी लेके जाइएगा हमेशा। तो इसी तरह आप एक एप्लीकेशन लेटर लिखेंगे अपना बैंक अकाउंट क्लोज करवाने के लिए, चाहे वो सेविंग हो या करेंट हो। टिप्स हमेशा ध्यान में रखिए, पॉइंट्स याद रखिए, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप फॉलो करिए, बहुत अच्छा से हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है या डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछिए, कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।